श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य आदि काव्य रचना। यही श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य की आदि काव्य रचना यानी कि पहली काव्य रचना है। तत् प्रभृति ऋषि रयम कवि पद प्राप्त। तब से ये ऋषि कवि के पद को प्राप्त हो गए यानी कि कवि बन गए। ऋषि है कवित्व विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या अवदित। ऋषि के कवित्व को जान करके विज्ञा मन के जान करके ब्रह्मा ने आकाशवाणी से आदेशित आदेश दिया। ऋषि है कुरु रामायणम काव्यम। हे ऋषि आप रामायण काव्य लिखें। तत्र च राम रचितम वर्णय और उसमें राम के चरित्र का वर्णन करें। येन रामस्य पुण्यम चरित्रम जिसमें भगवान राम का पुण्य चरित्र यानी आदर्श चरित्र विदित्वालोका आदर्श चरित्र को जान करके लोग सन्मार्ग स्नायु अनुसरणम सन्मार्ग का अनुसरण कर सकें कर्यु माने कर सकें। ब्रह्मांड आदेशानुसार वाल्मीकिना श्लोक बद्धा रामायणी कथा लिखता। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि जी ने श्लोक बद्ध रामायण की कथा को लिखा। सैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धि उपगता जो कि वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। अत्र कवीना अनेक विधानी तथ्यानी वर्णितानी इसमें कवि ने अनेक विधान और तथ्यों को वर्णित किया है यानी मानव जीवने मार्गदर्शकानी संति जिसके द्वारा जो कि मानव जीवन के मार्ग को मार्ग का पथ प्रदर्शित करने वाले हैं। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितु आज्ञा पालनम इसमें कवि वाल्मीकि द्वारा पिता की आज्ञा का पालन भातृ स्नेह भाई का प्रेम परोपकार दया शरण्यम उदारता दीन रक्षा दीनों की रक्षा इत्यादि आदि मानवताया पोषकानी जीवन मूल्यानी मानव को पोषित करने वाले जीवन मूल्यों का वर्णन वर्णितानी संति वर्णन किया है। अयम ऋषि संस्कृतस्य आदि कवि यह ऋषि संस्कृत के आदि कवि उच्चत कहे जाते हैं। तत्र रचना च आदि काव्यम उच्चते और उनकी रचना आदि काव्य कही जाती है। यहीं पर वाल्मीकि ऋषि के पाठ का हिंदी अनुवाद खत्म हो जाता है। आप इस पाठ को पढ़िए और वाल्मीकि जी के बारे में समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।